गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल विस्टन में मार्च डिस्कशन 2018-19 का। ये हमारा फोर्थ वीडियो होगा जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस साल के नेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स का 6-7 सेक्शन हो जाता है। देखिए, नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल और इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी और साइंस रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन करंट इवेंट्स होता है, तो उस हिसाब से मैं अभी आपके साथ जो नेशनल इवेंट्स हैं, मतलब पूरा जो ऑल ओवर इंडिया हुआ है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट ये है कि इंडियन एनर्जी कांग्रेस जो है वो आर के सिंह के थ्रू, मतलब इस बार इनॉग्रेट किया गया है। एट्थ इंडियन एनर्जी कांग्रेस है और ये जो डेटेड है वो है 1 फरवरी 2018। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया है थीम के साथ। थीम ये है कि एनर्जी 4.0, एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स 2030। और जो ये न्यू दिल्ली में किया गया है और इसका इंडिया का पर कैपिटा पावर कंजप्शन जो है वो 1200 यूनिट्स है। ठीक है, और ये लाइकली टू गो अप है 3 or 4 times, मतलब 3 या 4 गुना हो जाएगा 2030 तक। और ये अनाउंस किया गया यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह के थ्रू। देखिए, आर के सिंह की ये फोटो है। आगे देख लेते क्या आगे है। नेशनल हैंडलूम एक्सपो, देखिए हैंडलूम एक्सपो हर साल अलग अलग स्टेट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, तो इस साल का इनॉग्रेशन जो है वो असम के थ्रू किया गया है। असम हैंडलूम एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर रंजीत दत्ता जो है गुवाहाटी के, वो 29 जनवरी 2018 को ये इनॉग्रेट किए हैं। और ये स्पॉन्सर किया गया है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडलूम के थ्रू, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब ये है लिंक्ड है। और ऑर्गेनाइज किया गया है असम एपेक्स वीवर्स एंड आर्टिशियंस कोऑपरेशन फेडरेशन के थ्रू। देखिए, टोटल 130 स्टॉल सेटअप की गई हैं 12 स्टेट्स के अलग अलग जोन्स को मिला करके। देखिए, ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो का एक छोटा सा फोटो है, आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि लीडरशिप कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू। तो आर्ट जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी, वो लीडरशिप कॉन्क्लेव को अटेंड की थी January 29th को। डेट याद रखिएगा, January 29th को, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। और अपना एक्सपीरियंस वो शेयर की, जब वो इतने सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच थी, तो उन्होंने बताया कि वो कैसा वो अपना लाइफ को काटी हैं और किस तरह की चीज़ें सीखी हैं, और ये सब चीज़ें उन्होंने बाकियों को बताई। उन्होंने ये भी बात की कि किस तरह से चैलेंजेस आती हैं और किस तरह से हम लोग चैलेंजेस का सामना करते हैं और उसको किस तरह हम लोग को अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है। आगे देख लेते हैं। आगे है सचिन और बिलियन ड्रीम, जो आपकी एक मूवी आई थी सचिन के लाइफ स्टोरी के ऊपर, उसको मिला है अवार्ड। और देख लेते हैं, ये जो है वो है 12 अवार्ड जीती है वो January 24th को, और ये था 11th तेहरान इंटरनेशनल FICTS फेस्टिवल में। तो 11वां तेहरान इंटरनेशनल FICTS फेस्टिवल में, जो कि ईरान में किस का एक स्टेट है तेहरान, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल, मतलब इंटरनेशनल इवेंट होता है FICTS फेस्टिवल, उसमें 12 अवार्ड जो जीती हैं वो जीती है सचिन और बिलियन ड्रीम, जो कि बायोपिक है। हेमलर जेम्स एस्कीन, जो कि बेस्ट डायरेक्टर को जिनको अवार्ड मिला है एक लॉन्गर डॉक्यूमेंट्री ट्रॉफी के लिए, और वो जो डॉक्यूमेंट्री ट्रॉफी है, और वो है हमारा सचिन बिलियन ड्रीम्स। ऊपर से क्या है कि जो प्रोड्यूसर है रविचंद्र भगचंद्र का, वो जो उनको स्पेशल अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म इन द लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में। आगे देख लेते क्या है। आगे ये है कि उड़ान का जो Phase 2 है, देखिए उड़ान उड़े देश का आम नागरिक का जो हमारा जो ये है, देखिए हमें डबल ए हो गया है, वैसे उड़ान का स्पेलिंग डबल ए ही होता है, लेकिन हम लोग का जो उड़े देश का आम नागरिक के हिसाब से वो सिंगल ए होना चाहिए था। तो उसमें क्या 325 रूट अवार्ड की गई हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो अवार्ड की 325 रूट ऑन January 25, 2018 अंडर सेकंड फेज ऑफ द गवर्नमेंट फ्लैगशिप, मतलब बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है। और उड़ान उड़े देश का आम नागरिक का जो रीजनल जो प्रोजेक्ट है, देखिए ये जो उड़े देश का आम नागरिक है रीजनल प्रोजेक्ट है, मतलब रीजन टू रीजन जोड़ेगा। और देखिए 325 रूट, मतलब समझ रहे कितना घना हो जाएगा हमारा जो स्टेट का जो आप डिवीजन है। देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा पिक है, वैसे तो मैं ऐसे आपको समझा नहीं सकूंगा, लेकिन देखिए 24 को जो रूट है वो वेस्ट में, 17 को जो रूट है वो नॉर्थ में, 12 को जो रूट है वो ईस्ट में, और 6 रूट नॉर्थ ईस्ट प्लस 11 रूट इन साउथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें क्या अराउंड 40% और 129 ऑफ 325 जो रूट्स है वो अवार्ड किया गया न्यूली क्रिएटेड कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी एरिया, जो कि जम्मू और कश्मीर को स्पेशली प्रमोट किया गया, जम्मू कश्मीर प्लस नॉर्थ ईस्टर्न, जहाँ पे रूट्स का पहुँचाव या फिर जहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है, वाटरवेज नहीं जाने का, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एयर रूट सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे पड़ता है, तो वहाँ पे 40% का जो हम लोग का टोटल रूट्स है वहीं पे असाइन किया गया है। और देख लेते क्या कि हमारा जो रूट है वो 15 एयरलाइन और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर के साथ, मतलब बिडिंग प्रोसेस में आया था। देखिए जो
15 एयरलाइन हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेटर है वो लोग बैठे एक जगह बिडिंग हुआ और बिडिंग के ऊपर ही सबको रूट दिया गया और फिर वो रूट में वो अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो करेंगे। देख लेते हैं एयरपोर्ट जो कनेक्ट होने वाले एक दूसरे से, 78 ऐसे एयरपोर्ट है, 78 टोटल एयरपोर्ट्स है उसमें, जिसमें से कि 36 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि सर्व करते हैं, अभी करंटली सर्विंग है, तो 36 को कनेक्ट किया जाएगा। प्लस ऐसे 13 अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं जो कि कम सर्व करते हैं या फिर बन चुके हैं लेकिन अभी तक तो प्रोसेस में नहीं है, उस तरह के 13 एयरपोर्ट हैं। और 29 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो अनसर्व्ड है, मतलब ऐसा एयरपोर्ट जिसको अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, बनाया गया है लेकिन यूज़ नहीं किया गया है। आगे देख लेते क्या है, आगे है ये कि भारत के वीर एंथम को लॉन्च किया गया है और भारत के वीर एंथम गाया है इस इंसान ने, आपको इनका नाम पता होगा, कैलाश खेर। और जो ये है ये गाया गया है एक, मतलब देखिए होम मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह वो लॉन्च किए भारत के वीर एंथम जो कि 20 जनवरी को लॉन्च हुआ था। आपको याद रखना पड़ेगा कि किस दिन को भारत के वीर एंथम लॉन्च किया गया था, 20 जनवरी को, दिमाग में ध्यान में रखिएगा। और एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म भी है जो कि इंडिया का ब्रेव हार्ट के ऊपर, तो आप जब यूट्यूब में सर्च किए कि भारत के वीर एंथम जो है वो क्या है तो आपको सिंगर नहीं दिखाई देंगे गाते हुए, एक शॉर्ट फिल्म चलेगा उसमें गाना बजेगा। और क्या है कि भारत के वीर जो है वो एक तरह का फंड जो सपोर्ट करता है फैमिली को जो जिनका कि ब्रेव जो आदमी है वो, मतलब जो सेंट्रल आर्म पुलिस में है या फिर जो आर्मी में है जो अपना लाइफ लॉस किए हैं उन लोग को ये जो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो डेडिकेट किया जाएगा। आगे क्या है जो फंड है ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर होने वाला होम मिनिस्ट्री के थ्रू और हर साल एक बार ये फंड रेज किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, युवा उद्घोष प्रोग्राम लॉन्च किया गया वाराणसी में। भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ हैं अमित शाह ये जो इंसान है इन्होंने लॉन्च किया युवा उद्घोष प्रोग्राम जो जनवरी 20 2018 का सेकंड जो है हम लोग इवेंट देख रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मिस्टर शाह ये जो प्रोग्राम है वो इस जो प्रोग्राम है उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रेसिडेंट है जो महेंद्रनाथ पांडे उनके साथ मिलकर लॉन्च किया है। जो युवा उद्घोष प्रोग्राम है वो उनका मेन मोटिव है कि 17 साल के और या उससे अबव जो एज है जो कि वोट करते हैं लोकसभा इलेक्शन में उनको एनरोल करना और उनको वोट के लिए मतलब थोड़ा प्रमोट करना कि आप वोट कीजिए। देखिए होता क्या है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर वोट नहीं करती है तो उस समय सही से पता नहीं चल पाता है कि क्या हमारा लॉस है या क्या फ़ायदा है, हम लोगों को किस तरह से नया इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो ज़रूरी है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वोट करे। आगे क्या भारत पर्व को डिस्कस किया गया, भारत पर्व जो है वो मनाया गया रेड फोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है 31st टाइम और जो है रिपब्लिक डे और वो सॉरी भारत पर्व जो है वो 26th 31st और 2018 में मनाया गया रेड फोर्ट दिल्ली में और ये पार्ट था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एक पार्ट था। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत पर्व का जो आप थीम पेज ही देखिएगा वही कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि भारत पर जो है वहाँ पे देखिए दिस रिपब्लिक डे लेट्स सेलिब्रेट आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोग कितने अलग हैं और उस अलगता में हम लोग एकता ढूंढते हैं, तो वो उसको प्रमोट करने के लिए भारत पर लॉन्च किया गया था इस बार। और जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था उसका मैंने आपको बताया क्या था, पैट्रियोटिक मूड इंश्योर करना था कि भाई हर कोई आए अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से और हर लोग अपना वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे। वो जो है जो भारत पर वो डिस्प्ले करता बहुत तरह से जो रिपब्लिक डे टेबलॉग्स है, जो टेबलॉग्स देखिए क्या होता है, पिछले मैंने आपको वीडियो में बताया था जहाँ पे मैंने रिपब्लिक डे डिस्कस किया था, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि मूविंग होता है, नीचे व्हील्स लगे होते हैं और उसके ऊपर कुछ ऐसा बनाया जाता है जो कि उस कंट्री या उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो। तो टेबलॉग्स जो अलग अलग रीजन से अपने अपने टेबलॉग्स आते हैं और जो महाराष्ट्र है वो वाला जीता था, इस तरह से बहुत चीज़ हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में भी है क्या कि इंटरनेशनल लैम्प सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो इस साल आयोजित किया गया। ये किया गया तिरुवनंतपुरम जहाँ भी जो कि केरला में है 23rd 2018, डेट याद रखिएगा 23rd 2018, ठीक है। जो डैम सेफ्टी है वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल अंडर डैम सेफ्टी रिहेबिलेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन जो कि धर्मा बोला जाता है, उसको लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन में देख लीजिए ये धर्मा जो है वो उसका लोगो ये है और जो ड्रिप है एक साइड में आप ड्रिप का लोगो देख सकते हैं। आगे देख लेते क्या है, आगे ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो अप्रूव किया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 20 MLA पार्टी का। तो जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद
उन्होंने अप्रूव कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन 20 MLA जो है आम आदमी पार्टी के, जिनके ऊपर की केस चल रहा था कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते थे। कि होता ये है कि अगर कोई MLA जो है, मतलब कोई एक सदन का एक जो मेंबर है, वो अगर एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई भी अपना जो प्राइवेट कंपनी अगर ओन करता है, प्राइवेट ऐसा कोई भी छोटा मोटा काम ओन करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई होने का पूरा हक है। हक इसलिए है कि हमेशा ये सस्पेक्शन रहता है और हमेशा ये मान लिया जाता है कि जो आदमी वहाँ पे बैठा हुआ MLA वो किसी तरह से अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। आगे जो है आगे देख सकते, देख लीजिए इनका चेहरा, ये आमल जो डिस्क्वालीफाई हुए। आगे देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है वाइल्ड सिल्क मॉथ के ऊपर, इस तरह का एक जीव होता है उसके ऊपर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है हर साल, वो हुआ है 8th edition इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वाइल्ड सिल्क मॉथ का, और ये हुआ है गुवाहाटी असम ऑन January 22, 2018। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्प करेगा किसी तरह इंक्रीज करने में, जो पीपल जो कि सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसका जो इनकम है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इंडिया जो है वो ये इवेंट सेकंड टाइम होल्ड कर रहा है, और जो है वो इस उद्देश्य से होल्ड कर रहा है कि इस बार जो लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भारत में आए, और हम लोग का भी जो लोग हैं उनका जो सिल्क का जो कारोबार है वो बढ़े बुरे और जो भी इनकम है वो ज़्यादा हो। आगे देख लेते हैं, वो जो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेंट्रल सिल्क बोर्ड एंड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर वाइल्ड सिल्क मॉथ। आगे हम लोग के पास क्या है, आगे है कि नया स्मार्ट सिटी है जो कि अनाउंस हो चुका है। नया स्मार्ट सिटी देख लेते हैं क्या क्या है। जो सिलवासा है दादर नगर हवेली में, वो इरोड जो तमिलनाडु में, बिहार शरीफ जो बिहार में, बरेली जो उत्तर प्रदेश में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का, सहारनपुर फिर उत्तर प्रदेश का, कवरत्ती लक्षद्वीप का। और कहा यह जा रहा है कि जो नया स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है वो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो कर रहे हैं हरदीप सिंह वो कर रहे हैं। और ये जो प्रेजेंट किया गया 19 जनवरी 2018 को किया गया, इस स्कीम में लगभग 500 करोड़ रुपए हर एक सिटी को दिए जाएंगे ताकि नए प्रोजेक्ट्स और नया उसको स्मार्ट बनाने की जो प्रोसेस है वो चालू की जाए। वैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी सिटीज़ प्रेजेंटेड है वो पहले से ही मतलब अच्छे खासे लेवल में पहुँचे हुए हैं, तो ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं लग रहा है इसको प्रमोट करने में। ये जो है ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जो मैंने ना आपको कहा हरदीप सिंह यही है। आगे देख लेते हैं क्या आगे है, 100 एक्सेसिबल वेबसाइट है दिव्यांग के लिए। तो जो दिव्यांग लोग होते हैं जिसको चलने में या फिर बोलने में या देखने में किसी तरह की परेशानी होती है उनके लिए 100 ऐसे वेबसाइट बनाए गए हैं जो उनको हेल्प करेंगे वेब के साथ कनेक्ट करने में। देख लेते क्या थवार चंद गहलोत जो यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो उन्होंने 100 फीजिबल वेबसाइट लॉन्च किया है दिव्यांग के लिए जो कि 19 जनवरी को लॉन्च किया है। देखिए हम लोग एक और 19 जनवरी का यहाँ पे इवेंट देख लिए। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो पूरा दिव्यांग फ्रेंडली है, यहाँ पे नॉट गलती से आ गया। और ये जो है ये हम लोग को हेल्प करेगा, मैंने आपको बताया किस चीज़ में हेल्प करेगा। आगे जाते हैं, आई क्रिएट सेंटर लॉन्च हो चुका है। आई क्रिएट जो सेंटर है वो नरेंद्र मोदी और जो इसराइल के जो PM है बेंजामिन नेतन्याहू दोनों मिल करके आई क्रिएट सेंटर का लॉन्च किए हैं 17 जनवरी 2018 को अहमदाबाद गुजरात में। जो आई क्रिएट का प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है एक इंक्यूबेशन सेंटर है स्टार्टअप्स के लिए। इंक्यूबेशन क्या होता है, देखिए अब जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा अगर हेल्दी ना हो या फिर समय से बच्चा पहले पैदा हो जाए तो उसको इंक्यूबेशन में रखा जाता है, मतलब उसको एक ऐसा सिचुएशन दिया जाता है जो उसकी माँ के वोम के हिसाब का हो। तो उसी तरह जो सिचुएशन है स्टार्टअप है उसको बढ़ने में, उसको बड़ा होने में समय लगता है, उस समय के लिए उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने आप को खुद से फुल फाल सके और खुद से बढ़ सके। ठीक है, एक जॉइंट वेंचर है गुजरात मेलन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ और गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर प्रमोशन फाउंडेशन के साथ। आगे देख लेते हैं, आई क्रिएट का ये लोगो है, आपको मैं जैसे जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आगे क्या कि राइट टू मैरिज जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया 16 जनवरी 2018 को। कहा यह कि खाप पंचायत, मतलब ऐसे पंचायत जो कि एक मतलब स्पेसिफिक रिलीजन को मिला के बनाया जाता है, सोचिए हिंदू का एक पंचायत होता है वहाँ पे सिर्फ हिंदू होते हैं, तो उस जगह जो पंचायत है या आपके जो पेरेंट्स हैं वो किसी भी तरह का मतलब फोर्स नहीं कर सकते एक अपने स्पाउस को या सिबलिंग्स को कि आप लोग सॉरी स्पाउस मैं गलती से बोल दिया अपने सिबलिंग्स को वो फोर्स नहीं कर सकते कि आप जाओ और आपको मेरे हिसाब से शादी करना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपने हिसाब से शादी कर सकते हैं। जो बेंच था वो होल्ड कर रहे थे दीपक मिश्रा जी जो हैं हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और AM खानविलकर और DY चंद्रचौड़। ठीक है, आगे देख लेते क्या है कि इस जो लीगल जो प्रोसीजर है इसमें क्या कहा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहा है कि एवरी एडल्ट हैज़ द राइट टू मैरी एनीबॉडी एंड नोबॉडी इंक्लूडिंग पेरेंट्स और खप पंचायत और सिमिलर एसोसिएशंस कैन क्वेश्चन देयर चॉइस ऑफ स्पाउस। ठीक है, जो
कब्जा कास्ट कम्युनिटी बेस्ड एसोसिएशन है मेनली जो सॉरी यहाँ कब्जा गलती से हो गया है, खाप होगा, तो खाप जो होता है ना, खाप होता है कम्युनिटी बेस्ड एसोसिएशन, मैं आपको बताया, जो मोस्टली रूरल एरियाज में होते हैं और वहाँ पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग जो है वो डिसीजन सुनाते हैं। आगे है गवर्नमेंट जो है वो हज सब्सिडी उन्होंने हटा दिया है। देखिए जो हज सब्सिडी होता है वो एक सब्सिडी था जो हर साल जो मुस्लिम लोग को मक्का जाने के लिए जो पैसा देते थे, मतलब गवर्नमेंट कुछ अपने हिसाब से पैसा देती थी, वो सब्सिडी था, उसे हटा दिया गया। कहा ये जा रहा है कि मतलब ये जो है वो मुस्लिम को प्रमोट कर, मुस्लिम के जो खुद का जो ड्राइविंग फोर्स है उसको प्रमोट करने के लिए रखा गया है, ताकि मुस्लिम जो वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो और उन्हें बाहर से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। देखिए ये जो रिकमेंडेशन है वो प्रेजेंट किया गया था अफजल अजमुल्ला कमेटी के थ्रू, जो कि 2012 में, और एक और ऑर्डर था 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जो पेश किया था, उसके अकॉर्डिंगली ये जो डिसीजन है वो लिया गया है। और हज जो है, हज होता है एक एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज जो कि मक्का में होता है, और मक्का जो मुस्लिम का होली सिटी माना जाता है, ठीक है। और कहा यह जाता है कि मतलब जो मुस्लिम है, मुस्लिम को मक्का जाना जरूरी होता है, मतलब एक मैंडेटरी है कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको मक्का जाना ही होगा। ये मक्का की आप फोटो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कितना मतलब खूबसूरत नज़ारा, आंखों को तसल्ली दे रहा है ये नज़ारा, कितना मतलब लग रहा है, क्या यूनिटी है, गज़ब का एक नज़ारा है कि हर एक इंसान एक समय में सब नीचे वॉक किया और कितना अच्छा गोल गोल स्पैरिंग्स बनाया हुआ। आगे देख लेते क्या है, आगे UIDAI है वो अलाउ कर दिया फेक रिकॉग्निशन आधार के लिए। तो आपने अभी देखा था आधार का जो डाटा उसका ब्रीच का बहुत सारी न्यूज़ें आ रही थी, तो उसके हिसाब से कड़ा स्टेप उठाते हुए UIDAI जो है वो 15 जनवरी 2018 को ये प्रेजेंट किया है कि जो फेस रिकॉग्निशन है वो उसको लाया जाए और उसको फिंगरप्रिंट या आयरिस स्कैन के साथ यूज़ किया जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस रिकॉग्निशन यूज़ किया जाएगा। आगे क्या है, ये जो मतलब ये जो चीज़ है फेस रिकॉग्निशन, ये हेल्प करेगा उन लोगों को जिनको बायोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम होता है, बहुत जन का होता है कि अंगूठा एक बार मैच नहीं करता, या बहुत जन का ऐसा होता है कि आयरिस में कोई दिक्कत होता है, आँख खराब होता है तो उसका भी मैच नहीं करता है। आगे देख लेते क्या आगे है कि फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो एक्ट में आएगा July 1, 2018 से, आपको याद रखना होगा 1 जुलाई 2018 से भी आने में समय है। आगे है जो फेस रिकॉग्निशन है वो बेस करता है फ्यूजन मोड में, मैंने आपको बताया है कि उसे किसी एक के साथ में फिंगरप्रिंट आयरिस या OTP के साथ ही यूज़ किया जाता है, सिर्फ ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। देखिए बात यह है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका फेस बहुत हद तक मैच करता है, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी कर रहे, तो उन लोग के लिए ये मतलब मोस्टली इसलिए कहा जा रहा है कि किसी एक और चीज़ के साथ, ताकि डबल एक इंश्योरेंस हो जाए, डबल एक सिक्योरिटी हो जाए उसको ब्रीच करने के लिए। अब अगर आप डाटा ब्रीच करने की कोशिश करेंगे तो डोर सिक्योरिटी हो जाएगा, आपको फिंगरप्रिंट प्लस फेस या फिर आयरिस प्लस फेस आप मैच करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल या नामुमकिन काम है। देख लीजिए आगे देखते क्या है, गवर्नमेंट जो है वो सक्षम 2018 कैंपेन लॉन्च किया, सक्षम जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन में, और ठीक है, और वो एक मंथ लॉन्ग सक्षम कैंपेन है जो कि 12 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पे क्या है, 16 जनवरी से 15 फरवरी तक 2018 में, और यहाँ पे दिया हुआ टेक सक्षम फ्यूल कंजर्वेशन प्लेज, तो ठीक है ना, फ्यूल कंजर्वेशन के मतलब फ्यूल कंजर्वेशन प्रमोट करने के लिए ये जो है वो लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे हैशटैग मैं हूँ सक्षम, इसका जो हम लोग का टैगलाइन है वो है। आगे क्या, PCR एस्टैब्लिश किया है 1879 अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये मतलब एस्टैब्लिश किया गया था, ये जो है PCR है वो 1978 का जो एजिस ऑफ मिनिस्ट्री एंड पेट्रोलियम जो नेचुरल गैस है उसके अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये प्रमोट करता है जो एनर्जी एफिशिएंसी, बहुत सारे सोसाइटी में हम लोग का जो बहुत इंडियन इकोनॉमी का अलग अलग सेक्टर है, जैसे हम लोग का मिनरल सेक्टर या रिफाइनिंग सेक्टर या फिर कोर जो हम लोग 8 कोर सेक्टर्स हैं उसमें जो हम लोग का जो एनर्जी एफिशिएंसी उसको बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और सक्षम भी एक एनुअल फ्लैगशिप है, ठीक है, और ये जो है वो इन्वॉल्व करता है ऑयल और पब्लिक गैस सेक्टर यूनिट्स जो और अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर जो और जो प्राइवेट कंपनी जो स्टेक होल्डर है हमारे जो गैसेस और नेचुरल गैसेस से, जैसे तपी गया जो रिलायंस हो गया, रिलायंस का जैसे ऑयल आता है, तो उस हिसाब से देखिए अलग अलग सेक्टर्स के जो मेजर्स जो आदमी हैं उनको मिला करके जो एनुअल फ्लैगशिप वो लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और ये फोकस और अटेंशन रखता है फ्यूल कंजर्वेशन, मैंने आपको बताया। आगे देख लेते क्या आगे ये है कि अग्रीमेंट आ गया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। देखिए किस चीज़ का अग्रीमेंट है, देखिए यहाँ पे MOU साइन किया गया है किसके थ्रू, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेवन्यूशन, ये तीनों MOU साइन किए
एमओयू होता है क्या? एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग है ऐसा एक लीगल डॉक्यूमेंट जहाँ पे अलग अलग सेक्शन ऑफ मतलब मिनिस्ट्रीज या फिर अलग अलग लोग एक मतलब डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि हम लोग इस बात में सहमत है और हम लोग आपस में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, ये साइन किया गया नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट के लिए। आगे देख लेते क्या है। ठीक है, आगे है ये जो एमओयू साइन किया गया था 12 जनवरी 2018 को। ठीक है, और देख लेते हम लोग क्या है। ये जो है नबार्ड भी इसको साइन किया गया, नबार्ड ने भी साइन किया, नेशनल वाटर डेवलपमेंट ने भी साइन किया है। ठीक है, और देखिए ये जो है वो लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है। और है क्या ये जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल किया गया 30 मंथ में इसको कंप्लीट कर लेना है और इसमें लगभग 1622.27 करोड़ का खर्चा आने वाला है। ठीक है, देखिए एक एरिया में कोई भी रिजर्वायर बनता है तो क्या होता है कि वहाँ का जो पानी उसको हार्नेस किया जाता है, उस पानी को क्या किया था इरिगेशन में लाया जाता है, उसको पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट लाया गया है और इसमें लगभग 1622.27 करोड़ का खर्चा आने वाला है। ये अंडरटेकिंग साइन किया गया था 12 जनवरी को, ऐसे 12 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। आगे देख लेते क्या आगे ये है कि नेशनल फैमिली ऑफ हेल्थ सर्वे आ गया। ठीक है, और इस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए ये जो डाटा है वो फोर्थ राउंड है, 12 जनवरी 2018 को आया था और सर्वे फोर है ये। ठीक है, दिल्ली रेजिस्ट स्टेट बता दिया गया और जैन को वेल्दियस कम्युनिटी बता दिया गया। ठीक है क्या बोल रहा है कि ये जो है वो 60 लाख हाउसहोल्ड से स्टार्ट, मतलब सॉरी 6 लाख हाउसहोल्ड है उसमें देखा गया 15-16 में, और जो बिहार उसको पूरा स्टेट बताया गया 50% जो हाउसहोल्ड है वो वेल्थ क्विंटलाइन के भी नीचे है। ठीक है, ऐसे में देखेंगे 3 मूर्ति चौक जो है वो रिनेम कर दिया गया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर जब बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे आए थे 6 दिन का ऑफिशियल विजिट में, तो 14 जनवरी 2018 में जब वो आए, सॉरी 14 जनवरी 2018 का डेटेड था जब जो आइकॉनिक 3 मूर्ति चौक है न्यू दिल्ली में, वो जो 3 मूर्ति चौक है कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए यहाँ पे जो चौक है ना, यहाँ पे 3 मूर्तियाँ आपको दिखाई देगी, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक पीछे है, इसका एक ट्रायंगल टाइप का शेप है उसके पीछे में जो है 3 मूर्ति बनाया गया है। और ये जो चौक है इसको रिनेम कर दिया गया, इसको इसका नाम दे दिया है 3 मूर्ति से चेंज करके इसको दे दिया हाइफा चौक इसका नाम हो चुका है। और हाइफा जो है इजरायली एक सिटी है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन पहले वहाँ पे गए हुए थे, तो ये जो नाम जो चेंज है वो हम लोग का क्या हेल्प करेगा, वो इस चीज़ में हेल्प करेगा। देखिए इसराइल और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है बहुत पहले से, आप एंशियंट टाइम से भी देखिएगा तो इसराइल और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आज उसको कंटिन्यू करने के प्रोसेस में ये एक कदम है। हम लोग क्या करते, देखिए हम लोग पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छा रिलेशन रखे हुए, तो हम लोग इसराइल के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना ही होगा। ठीक है, क्यों मैं बता देता हूँ, क्योंकि पैलेस्टाइन और इसराइल जो है वो आपस में अच्छे मतलब मित्र नहीं है, हमेशा उनके बीच में कुछ ना कुछ झड़प चलते रहते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का केस है, वैसे कुछ वहाँ पे भी हो रहा है, टू नेशन थ्योरी यहाँ पे भी लागू की गई थी, वहाँ पे भी वही बात चल रही है, टू नेशन थ्योरी लागू करना है। और देख लेते कि और ये जो बात है कि पैलेस्टाइन के साथ, अगर हम लोग जैसे रिसेंटली गए थे पैलेस्टाइन में हमारा विजिट था। ठीक है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को कोई भी इससे दिक्कत नहीं था, फिर भी एक एज अ पॉइंट आ जाता है ना जब लोगों को लगने लगता है कि वो अपोनेंट पार्टी के तरफ जा रहे हैं, तो इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए जब बेंजामिन नेतन्याहू या भारत आए हुए थे तो इस चौक को रिनेम करके हाइफा नाम दे दिया गया। आगे क्या आगे है, जो रेलवे है वो लॉन्च कर चुका है स्फूर्ति ऐप। ठीक है, स्मार्ट फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऐप जो है वो लॉन्च किया गया 11 जनवरी 2018 में। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया है बहुत अच्छा ऐप है। ठीक है, आपको रियल टाइम लोकेशन और आपको दिखाएगा कि कहाँ पे एक्चुअली ट्रेन है। अभी हम लोग को देखिए आज तक जैसे हम लोग कोई भी ऐप यूज़ करते थे IRCTC या फिर इक्सिगो का जो ऐप यूज़ होता है मोस्टली, तो उसमें हमेशा ये पता चलता था कि रेलवे का जो मतलब जो ट्रेन है वो लास्ट स्टेशन में कितना देर पहले खुली है और कितना किलोमीटर्स मतलब और आने में है, कितना किलोमीटर वो ट्रैवल कर चुकी है, लेकिन एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलता था कि हाँ यहाँ पे ट्रेन है और यहाँ पे पता चलेगा। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसा एक ऐप लाया गया है जो कि इसको बताएगा कि ये कहाँ पे है ट्रेन, और हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे इसको ज्योग्राफिकल लोकेशन के थ्रू हम लोग उसको देख सकेंगे कहाँ पे ट्रेन पहुँच चुका है। और ये जो है वो हमेशा एक बर्ड आई व्यू रखेगा, मतलब देखेगा हमेशा ट्रेन को कि ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, और ये भी एनालाइज करेगा कि उसमें कितने प्लेटफॉर्म में कितने पैसेंजर्स चढ़ते हैं, अगर ट्रेन रुक गई है तो ट्रेन के लिए वो सही समय है या फिर ट्रेन मतलब सही ड्यूरेशन के लिए रुक रही है या एक या दो मिनट के लिए रुक रही है फिर बढ़ जा रही है ट्रेन, लोगों को चढ़ने में उतरने में दिक्कत हो रही है, ये सब भी देखेगा ये ऐप। आगे ये है कि आगे देखिए स्फूर्ति लैब ऐप जो है उसका ये लोगो है एक तरह से आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो है ये हमारा जो इंटरनेशनल यूथ सेंटर जो वो ऑर्गेनाइज करता है 11 से 12 जनवरी 2018 को, आप डेटेड देख सकते हैं।
यहाँ पे क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किए हैं इसको, नेशनल यूथ फेस्टिवल को, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को के थ्रू इनॉग्रेट किया गया था। आगे क्या है, इस 22nd एडिशन है नेशनल यूथ फेस्टिवल का, जो कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मनाया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसका थीम था संकल्प से सिद्धि। ठीक है, फर्स्ट एडिशन जो है इसका वो आया था भोपाल में 1995 में, और ये जो है वो स्वामी विवेकानंद का, ऐसे आपने यहाँ पे फोटो देखा, यूथ आइकन है ये हमारे, तो उनके जो बर्थ एनिवर्सरी में उसमें मनाया जाता है। आगे जो IWDRI 2018 वो कंक्लूड किया गया। देखिए वो IWDRI होता है क्या, IWDRI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रिलेसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है वो IWDRI का फुल फॉर्म है, आपको समझ में आया, वो जो डिजास्टर है उसके लिए एक इंटरनेशनल वर्कशॉप सेटअप किया जाता है, और हम लोग इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिससे कि जो अपकमिंग डिजास्टर है उसको रोका जाए। ठीक है, और ये कंक्लूड किया गया 17 जनवरी 2018 को न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे देख लेते क्या आगे है कि ये जो सेट है, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्ले और जो डायलॉगिंग होता है वो ग्लोबल लेवल में शो किया जाता है, और होता क्या है कि ये जो वर्कशॉप है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू, और जॉइंटली उसमें हेल्प करता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आगे हम लोग देख लेते हैं, इंडियन रेलवे जो है वो OCR किसॉक मशीन्स लाई है। देखिए OCR किसॉक मशीन्स कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे होता है क्या कि आपको अपना जो फ़ोन है वो आपको इसमें प्लेस करना पड़ेगा, और उसमें आपका जो फ़ोन है उसमें अगर आपका टिकट का जो लोकल टिकट जो होता है आपको, मैं आपको बता देता हूँ अच्छा से है क्या, 10 जनवरी 2018 को डिसाइड किया गया कि मॉडर्न ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन किसॉक मशीन को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो UTS ऐप है, देखिए कि ऐप है प्ले स्टोर में आपका आता है UTS ऐप, ठीक है, जो लोकल ट्रेन है उसका जो टिकट बुकिंग है वो होता है वो UTS ऐप के थ्रू होता है, और होता है क्या है कि वो जो ऐप का अगर टिकट बुकिंग हो गया तो उसको आप अपने मतलब जो TT उसको आप शो कीजिएगा तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, लोकल टिकट जो ICDC से तो कटता है नहीं। देखिए फंडा ये है कि बहुत लोग ऐसे भी थे जिनका कि बैटरी लो हो जाता था या फोन चोरी हो गया ट्रेन में चढ़ने के बाद, तो एक एक्सक्यूज हो जाता था कि भैया बैटरी लो हो गया, तो उसके लिए क्या OCR किसॉक मशीन आया, तो OCR किसॉक मशीन जो है उसमें आपको अपना फोन का डिस्प्ले प्लेस करना होगा जहाँ पे आपका मैसेज आया हुआ है, और फिर क्या होगा कि वो जो डिस्प्ले उसको पढ़ करके आपका जो किसॉक मशीन है वो आपका टिकट प्रिंट करके आपके सामने पेश कर देगा। ठीक है, आगे ये है कि जो वेस्टर्न रेलवे है वो पहला ऐसा रेलवे जोन बन चुका है जो कि इस किसॉक मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया, पहली बार ये मुंबई में इंट्रोड्यूस किया गया। आगे देख लेते क्या आगे, महाराजा ऑफ पटियाला से यूज़ किया जाता था मोनोरेल, उसको अब ऑपरेशनल बना दिया गया, और जो टूरिस्ट है उसको अलाउंस है इसको विजिट करने का। 10 जनवरी 2018 को ये मतलब लिया गया, ये डिसीजन लिया गया, और 108 साल पुराना हो चुका है जो पटियाला का मोनोरेल है जो कि महाराजा के थ्रू यूज़ किया जाता था। और ये जो है जो म्यूज़ियम जो है जो म्यूज़ियम है वो अनाउंस किया है इस रेलवे लाइन को यूज़ करने, सॉरी जो टॉय ट्रेन, एक टाइप का टॉय ट्रेन होता है कि मोनोरेल होता है क्या, मोनोरेल इस तरह का होता है जो टूरिस्ट है उसमें बैठ करके सफ़र कर लेंगे पूरा पटियाला का, देख लेंगे पटियाला किस तरह का था, और प्लस एक रॉयल फीलिंग आ जाता है उसमें बैठ करके। आगे क्या है कि एवरी थर्सडे खुला रहेगा, ठीक है, और जो द नेशनल रेल म्यूज़ियम एंड म्यूज़ियम ऑफ चाणकपुरी जो है न्यू दिल्ली, वो फोकस करता है नेशनल हेरिटेज को कंजर्व करने में, वो लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 1977 में। आगे है एक रिपोर्ट है राज्यपाल विकास के राजदूत, ऐसा रिपोर्ट जो वो सबमिट किया गया है, और है क्या कि गवर्नमेंट ऑफ जो कमिटी ऑफ गवर्नर है, देख लीजिए यहाँ ये गवर्नर है, आपको इनका नाम बताना है, वैसे आपको इनका नाम पता होगा, ये रामनाथ कोविंद पहले ये बिहार के गवर्नर थे और अब ये हमारे प्रेसिडेंट है। तो आगे देख लेते हैं क्या आगे, ये चीज़ है कि ये जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करता है कि किस तरह से जो गवर्नर है उसका एक बहुत अहम भूमिका होता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी जो सोसाइटी है उसको फ्रेम करने में। और बात यह है कि जो जनवरी 10 2018 को ये जो नोटिफिकेशन है वो आया था। और आगे देख लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, आगे जो आगे कि गवर्नर है उसको अपना जो रोल है उसको सही से निभाना है, ठीक है, और जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स है उसमें अपना उसको काम करना है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग को गवर्नर को भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम करना चाहिए। आगे क्या जो कमेटी है वो ESI नरसिम्हन जो कि गवर्नर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, राम नायक जो कि
राम नायक बनवारीलाल पुरोहित जो है वो गवर्नर है तमिलनाडु के, आचार्य देवव्रत जो कि गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, और तथागता रॉय जो कि गवर्नर है त्रिपुरा के, ये लोग के थ्रू ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया है। आगे देख लेते क्या आगे ये है कि यूआईडीआई जो है वो वर्चुअल आईडी इंट्रोड्यूस कर दी है। वर्चुअल आईडी होता क्या, एक ऐसा आईडी है 16-digit नंबर है, रैंडम 16-digit नंबर है, जो कि अब एक और प्रोटेक्शन स्कीम है जो कि मतलब आपका डाटा को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आपको हमेशा अपना आधार नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 16-digit रैंडम नंबर आप निकालिए और आप उसको दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे क्या है, ये जो 1 मार्च 2018 से लागू किया जाएगा और इसका अनाउंसमेंट 2018 में किया गया था, 15 हो गया। ठीक है, 1 जून से इसको मैंडेटरी किया जाएगा। और जो ये जो है रैंडम 16-digit नंबर होता है, मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए करना कैसे है, करना ये कि आपको UIDAI के वेबसाइट में जाना पड़ेगा और अपना 12-digit का आधार नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट आपको एक 16-digit टेम्प्ररी वर्चुअल आईडी देगा जो कि आप हर सर्विस प्रोवाइडर को टेलीकॉम और आप उसको दे सकते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है कि आप अपने वर्चुअल आईडी को बहुत बार अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आपको बस ऑनलाइन जाना है और फिर से आपको अपना डिटेल्स देना, आपको जो वर्चुअल आईडी वो चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी अपना वर्चुअल आईडी को चेंज कर सकते हो, आपको कभी भी लगेगा कि अगर आपका डाटा ब्रीच होगा या फिर आप कहीं भी इसको दिए हो आपको अपने वर्चुअल आईडी चेंज करना, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते क्या, फर्स्ट फेज जो भारत ने प्रोजेक्ट का उसको कंप्लीट कर दिया गया है। और इसमें जो 1,00,000 ग्राम पंचायत है उसमें जो हाई स्पीड जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसको पहुंचाने की बात की गई है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, तो एक फाइबर होता है जिससे कि डाटा प्रोवाइड किया जाता है, बहुत स्पीड होता है वो डाटा। आगे देख लेते क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2011 में ही इसको लॉन्च करने की बात की गई थी। और आगे देख लीजिए, टोटल जो इसका गोल है वो 2.5 लाख ग्राम पंचायत में, जिसका कि 1,00,000 ग्राम पंचायत में हम लोग पहुँच चुके हैं। आगे देख लेते हैं, जो गवर्नमेंट पीरियड है एशी 2016-17 वो आ चुका है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो हमारे जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावेदकर, देखिए प्रकाश जावेदकर का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, आप जाके इसको देखिएगा, न्यूज़ में आप देखिएगा प्रकाश जावेदकर के बारे में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जानने मिलेंगी। और देखिए ये क्या है, जो ये जो सर्वे वो हायर एजुकेशन रिपोर्ट है 2016-17 से जो मतलब ली गई है, और ये जनवरी 2018 को प्रेजेंट की गई थी। ठीक है, और ये जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि आइडेंटिफाई करे और मैप करे उन इंस्टीट्यूशन को जो कि हमारे जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और जो मतलब हायर एजुकेशन देते हैं। और देखिए, देखा बहुत अच्छी चीज़ क्या है, देखा ये क्या है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये जो रेशियो है वो हर साल कितना नया स्टूडेंट्स ऐड कर होते हैं उसके एक रेशियो होता है, तो उस रेशियो का इंक्रीज हो गया 24.5% जो कि 2015 में था, 15-16 में था, वो 25.2% हो चुका 2016-17 में। ठीक है, और जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स, तो जेंडर जो अलग अलग मतलब जो होता है ना गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिफरेंस होता है उसका जो इंडेक्स है वो 0.86 से बढ़ के 0.94 हो गया। ठीक है, जब 1 हो जाएगा ये इंडेक्स, टोटल 1 हो जाएगा, तब क्या होगा, जो मेल और फीमेल जो है दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा स्कूल्स में, और जब 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो फीमेल ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या है कि जितना भी टोटल जो प्रेजेंटेड सीट्स था उसमें क्या, तमिलनाडु जो है वो टॉप किया है ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर में, और तमिलनाडु में 46.9% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का प्रोग्रेस देखा गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप किया गया और बिहार का सबसे कम है 14.4%। आगे देख लेते क्या आगे है, जो ट्रैक चाइल्ड एंड खोया पाया पोर्टल लॉन्च किया गया, ट्रैक चाइल्ड एंड खोया पाया पोर्टल कुछ इस तरह से दिखता है, और जो खोया पाया जो है वो एक तरह का सब्सिडरी है ट्रैक चाइल्ड का, और यहाँ पे खोया पाया एक तरह से सिविल मतलब जो हम लोग का जो सीनियर सेक्शन सोसाइटी है, सीनियर जो सिविलियंस है उन लोग के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो पोर्टल है वो मिसिंग चाइल्ड्स के एक का रिपोर्ट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं क्या प्रोग्रेस हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था, और ये जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। ठीक है, ये ट्रैक करेगा हमारा जो जो भी चाइल्ड का जो ट्रैफिकिंग होता है वो सब चीज़ को। ठीक है, और ये एसोसिएशन में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वो जस्टिस बोर्ड होता है जो कि बच्चा लोग का केस देखता है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लोग का तरह मतलब ये लोग के साथ ये एसोसिएशन में है। आगे देख लेते क्या आगे ये कि स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे जो है वो लॉन्च हो गया है, और इसमें क्या है कि रिलीज किया गया 4 जनवरी 2018 को पूरे कंट्री के अक्रॉस
ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि अचीवमेंट्स देखा जाता है कि अर्बन सेक्टर या रूरल सेक्टर में क्या अचीवमेंट हुए हैं हमारे क्लिनलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ये है ये वर्ल्ड मेगा सर्वे, ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड मेगा सर्वे इसलिए है क्योंकि ये 4000 सिटीज़ के थ्रू रन करता है और 40 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन को देखता है। आगे ये है कि आगे देख लेते हैं क्लिनलीनेस रैंकिंग देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा टॉपर जो हम लोग का उसको वो है मैसूरू जो कि सबसे ज़्यादा क्लीन है। उसके बाद आते हैं चंडीगढ़, त्रुची, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल, विशाखापट्टनम, सूरत, राजकोट, गैंगटॉक, पिंपरी, चिंचवत जो कि महाराष्ट्र में, और ग्रेटर मुंबई जो कि महाराष्ट्र में। आगे हम लोग के सबसे पीछे से रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे आ जाता है धनबाद, उसके ऊपर आसनसोल, ईटानगर, पटना, मेरठ, रायपुर, गाजियाबाद, जमशेदपुर, वाराणसी और कल्याण डोंबिवली। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टॉप 10 है उसमें दो ऐसे जगह जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और जो बॉटम जो 10 है बॉटम में भी एक ऐसा जगह जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। तो ये बड़ी मस्त चीज़ आगे देख लीजिए। आगे ये है कि कॉन्फ्रेंस हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का। तो देखिए ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि प्रमोट करके और एडवांस करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो हेल्ड किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो है दिल्ली में January 5, 2018 को। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का कॉन्फ्रेंस था, नरेंद्र मोदी जो हमारे जो है वो बैठ करके सब स्टूडेंट्स जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो मेन जो लीडर्स हैं उनके सामने अपना जो वक्तव्य वो पेश कर रहे थे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग के तरफ से। और जो ये है जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है इंडिया 2020 का उसको प्रमोट करने की बात कर रही है। इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑफिसर्स इंचार्ज हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कीजिए और अपने जो मतलब अपना हाथ पैर खोलिए और उसमें काम कीजिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाइए, अच्छा कीजिए, देखने में खूबसूरत कीजिए। आगे क्या है, आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ऑक्नोलॉजी ट्यूटोरियल लॉन्च कर दिया गया। ऑक्नोलॉजी क्या होता है, ऑक्नोलॉजी वो मतलब एक स्ट्रीम होता है, मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीम है वो कैंसर को डील करता है, कैंसर को मतलब डील करने के लिए ये स्ट्रीम बनाया गया है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट ऑक्नोलॉजी ट्यूटोरियल सीरीज लॉन्च कर दिया गया 5 जनवरी 2018 को। ठीक है, और इसमें एम मेन है कि डॉक्टर को ट्रेन करना है किस तरह से पहले ही साइंस कैंसर को ट्रेन कर देख लिया जाए डॉक्टर्स के थ्रू, तो उस हिसाब से डॉक्टर को ट्रेन भी करना पड़ेगा। आगे क्या है कि जो ट्यूटोरियल सीरीज है वो डिज़ाइन किया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर के कोलैबोरेशन के साथ, और जो लोकल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करेंगी ये कोर्स को, और ये कोर्स 7 महीने का होने वाला है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री जो अप्रूव कर चुका है 24,020 करोड़ का एक प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट ये है कि प्रूफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस तो इस तरह का मतलब ट्रेनिंग है। ठीक है, ये ट्रेनिंग क्या है, ये जो इंडिया नेवी का P-8I, ठीक है, तो एक P-8 पोसाइडन नाम का एक एयरक्राफ्ट है जो कि लॉन्ग रेंज मार्टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, उसको लाने की बात की जा रही है। और जो लोग हैं उसको मतलब जो इंडियन आर्मी में जो लोग हैं, इंडियन जो एयरफोर्स में जो लोग हैं उनको ट्रेन करने की बात की जा रही है कि उनको ट्रेन किया जाएगा, इसके लायक बनाया जाएगा। ठीक है, और ये जो ये टोटल कॉस्ट इसमें 24,020 करोड़ का मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या है, ये जो P-8I उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से उसको हमारे यूज़ में लाना है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में किस तरह से हम लोग को यूज़ में लाना है, उसको लोगों को इसके बारे में ट्रेन करना, लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो आर्मी ऑफिशियल्स है उसको इसके बारे में ट्रेन करने का जो खर्चा है, प्लस इसको लाने में जो खर्चा है उसको टोटल सम अप करके इतना अमाउंट आया है। ये देखिए क्या खूबसूरत मतलब एक वाहन आपके सामने, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, अच्छा खासा बड़ा और लंबा है, मतलब कमाल की चीज़ है ये भी। और प्लस ये देखिए ये जो है वो एक वारक्राफ्ट है आपका, मरीन पेट्रोलिंग के लिए है, मतलब बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, ये जो भी आ रहा है ये बहुत एकदम एडवांस टाइप का जो है एक तरह का वाहन है, और अभी तक इसको US की जो मिलिट्री है और जो रशिया की मिलिट्री है उसको यूज़ कर रही थी, अब भारत की इंडिया मिलिट्री भी इसको यूज़ करेगी, तो अच्छी बात है। आगे देख लेते क्या है, आगे जो है जो गवर्नमेंट है वो अप्रूव करती है वाटरवे प्रोजेक्ट को। ये जो वाटरवे प्रोजेक्ट है ना वो कहाँ पे पहले देख लेते कहाँ पे काम करता है, तो वो हल्दिया जो कि वाराणसी में, वहाँ पे ये वाटरवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जो कि नेशनल वाटरवे 1 है। तो नेशनल वाटरवे 1 देखिए ये है हमारे जो हल्दिया यहाँ से है, और यहाँ से वाराणसी, यहाँ पे वाराणसी पड़ता है, तो हल्दिया टू वाराणसी जो ब्लू कलर का प्लान दे सकते हैं जो वो है नेशनल वाटरवे टर्मिनल। और आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जो फरक्का का जो फरक्का का डिस्टेंस 560 किलोमीटर का है, ये फरक्का से पटना जाने का डिस्टेंस इसका 460 किलोमीटर का है, पटना से अलाहाबाद जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर का है, टोटल 1620 किलोमीटर का ये लेंथ पड़ जाता है। ठीक है,
है क्या बात बात ये की जा रही है कि जो कैबिनेट ऑफ कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उन्होंने 4 जनवरी 2018 को इंप्लीमेंट कर दिया है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को, ठीक है। इसका कॉस्ट लगभग पड़ेगा 5,369 करोड़ रुपीज़, और ये जो है वो हमारा जो कैपेसिटी है जो ट्रांसपोर्टेशन का उसको बढ़ाने की बात की जा रही है वाटरवेज के थ्रू, ठीक है। और ये जो चार जो जो प्रोजेक्ट है वो चार स्टेट्स के बीच में बटा हुआ है, ठीक है, तीन स्टेट्स के बीच में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में, और वर्ल्ड बैंक जो टेक्निकल ऑफ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर रही है। आगे क्या दिया हुआ, आगे दिया हुआ कि तीन यूनियन मिनिस्टर्स जो है वो हाथ ज्वाइन कर लिए रेलवे के लिए। देख लिए तीन यूनियन जो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्टर जो वो लोग कौन कौन है, तो जो मिनिस्ट्री है फर्स्ट वो मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे है, रेलवे है, सेकंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों ने हाथ मिलाया है रेलवेज के लिए, और रेलवेज में क्या है कि एक MOU साइन किया गया। मैंने आपको बताया MOU क्या होता है, तो 4 जनवरी 2018 को MOU साइन किया गया, और ये जो है ये मतलब हमारे जो रेलवेज हो उसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, किस तरह से रेलवे को हाईटेक बनाना उसकी बात की जा रही है, ठीक है। इसका जो फंड है उसका फंडिंग 30% किया जाएगा रेलवे मिनिस्ट्रीज के थ्रू, और जो 25% है वो ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, और 25% डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। ये जो है वो मोस्टली जो अर्बन रेलवेज, एनवायरमेंट, एनर्जी, सेफ्टी, ये सब के ऊपर जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आएगी। आगे क्या है, एक बिल आ चुका है जिसमें कि जजेस की जो सैलरी है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो जजेस की सैलरी मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा बढ़ रहा है, 3 गुना जजेस की सैलरी बढ़ाने वाली है, ठीक है। 4 जनवरी 2018 को ये जो बिल है वो आ गया है, जो और ये जो बिल है वो 7th Pay Commission के अकॉर्डिंगली आया है। यहाँ पे पढ़ने का फायदा नहीं, मैं आपको एक तरह से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे दीपक मिश्रा, उनका जो करेंट जो सैलरी है वो है 1,00,000 रुपये, उसको बढ़ाकर ये 2,80,000 रुपये करने की बात हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनका जो सैलरी वो है 90,000 रुपये, उसको बढ़ा करके 2,50,000 करने की बात की जा रही है। अब ये मत सोचिएगा कि ये पर महीने का सैलरी है, ये एक एनुअल सैलरी है, हर साल इतना मिलता, तो ये फिर भी कम ही है एक तरह से। आप देख लीजिए 1,00,000 रुपया कुछ बहुत बड़ा डील नहीं है, ठीक है। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो करंटली उनका सैलरी ये पर मंथ है ये जो इतना बड़ा मैं वीडियो बना उसके वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो रही है मुझसे, तो ये पर मंथ का है 1,00,000 रुपये। मैं सोच रहा था कि 10,000 रुपये तो नहीं कमाते होंगे हमारे जज लोग, तो सॉरी ये पर मंथ का ये जो डेटा है ये पर मंथ का डेटा है। और करेंटली 1,00,000 रुपये मिलता है CJI को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 90,000, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उसको 80,000। प्रपोज कर दिया गया है कि 2,80,000 मिलेगा चीफ जस्टिस को, 2,50,000 रुपये मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जो जो भी हमारे जजेस हैं, और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनका जो सैलरी है वो 2,25,000 रुपये करने की बात की गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, अब हमारा जो वीडियो है वो हो चुका है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विस्टेन को, और हम ऐसे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।